बानो हजूर, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो, तुम कहना चाहते हो कि आमुन होतब के ख्वाब की ताबीर का हल जानते हो? जी बिल्कुल बानो हजूर। बीना रूस, तुम दखलंदाजी मत करो, फरमारामा के गुस्से को मजीद हवा मत दो। इस ख्वाब की ताबीर बहुत मुश्किल है। ये हमारे बस की बात नहीं, यानी इसकी ताबीर मुमकिन ही नहीं। जनाब, हमें एक रात की मोहलत चाहिए। तुम सब मेरे हाथों से मारे जाओगे। तुमने माबूद की आबरू खाक में मिला दी। जादूगरान और माँ बनाने माँ बजे आमून जनाबे फरमा रवा से एक रात की मोहलत चाहते हैं। मोहलत का वक्त गुजर चुका, सालों बैठकर खाया और आराम किया ताकि मुश्किल घड़ी में चारा जुई कर सके। मुझे अभी और इसी वक्त अपने ख्वाब की ताबीर चाहिए। जनाबे फरमा रवा, ये मिस्र के मशहूर मारूफ जादूगर और मुअब्बिर हैं। अगर इन्हें कुछ मोहलत दे दी जाए तो यकीनन ये किसी नतीजे पर हिमायत मत करें। काहिन आजम, ये मुट्ठी भर मुफ्त खोरे वो जोंके और दीमक हैं जो महज मिस्र की आवाम का खून चूसने और मिस्र की जड़ों को खोखला करने में मशगूल हैं। ये तो तिप्स के उन आवारा कुत्तों से भी बदतर हैं जो भोंक कर आगाह तो कर देते हैं। आपको गुस्से से परहेज करना चाहिए, यह आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। आज या तो ये लोग ताबीर बताने के लिए जबान खोलेंगे या फिर ताजियानों की जरबों से इन्हें भोंकने पर मजबूर कर दूंगा। और याद रखें जनाबे आखमहू, आज किसी को भी मेरे गैज़ो गज़ब से अमान नहीं मिल सकेगी, लिहाजा इनकी मजीद हिमायत न करें। आपसे दरख्वास्त है कि खुद पर काबू रखें, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। इन सबको जिंदान में डाल दो। अब ये उसी वक्त आजाद होंगे जब ये मेरे ख्वाब की ताबीर पेश करेंगे। बानो हुजूर, क्या मैं कुछ अर्ज करूं? क्या है, अब क्या कहना है? बानो हुजूर, मैं इस मुश्किल का हल जानता हूं, लेकिन बताने की जसारत नहीं कर सकता। जनाब फरमा रवा नहायत गुस्से में। तुम ख्वाब की ताबीर जानते हो? नहीं नहीं, मैं एक माहिर मुअब्बिर को जानता हूं। बीना रोज, तुम सब कुछ देख रहे हो, अगर कुछ गलत कह दिया तो अपना काम तमाम समझो। मुझे यकीन है कि उस मुअब्बिर के पास इस मुश्किल का हल जरूर होगा। बानो हुजूर, मैं दरख्वास्त करता हूं कि मुझे भी कुछ कहने की इजाजत दी जाए। ले जाओ इन्हें। आली जनाब, हमें छोड़ दीजिए। जनाब आखमहू, कुछ इन्हें छोड़ दीजिए। आली जनाब, बीना रोज आपसे कुछ अर्ज करना चाहता है। छोड़ दो इन्हें। कहो बीना रोज, सुन रहा हूं। मैं जनाबे फरमा रवा किस मुश्किल का हल जानता हूं। तुम मेरे ख्वाब की ताबीर का हल जानते हो? जी आली जनाब। कितने शर्म का मकाम है,
जाएं और जाकर नील में डूब मरें। माबदे आमून के नामी गिरामी जादूगर और मुआब्बिर बेबस हैं, और ऐसे में बिना रूस हमारा साकी इस मुश्किल का हल पेश करे। खूब, तो वो कौन है बिनारूस? एक इब्रानी गुलाम जो फिलवक्त जिंदान में है। एक इब्रानी गुलाम कैदी? जनाब फरमारवा, जब मैं और आपो पीस कैद में थे, हम दोनों ने ख्वाब देखा। तब उसी जवान कैदी ने मेरे ख्वाब की ताबीर कैद से रिहाई बताई और आपो पीस को तख्ता दार पर मसलूब किए जाने का बताया। दोनों ताबीरें ठीक 3 रोज बाद वकू पसीर हो गईं। बिनारूस, तुम्हें कुछ अंदाजा है कि फरमारवा से मजाक का क्या नतीजा हो सकता है? इत्मीनान रखिए मेरे मालिक, इत्मीनान रखिए। ये क्या कह रहा है पुतिफार? पुतिफार, ये ठीक कह रहा है मेरे खुदावंद। मेरा ख्याल है मैं उस जवान को जानता हूं। मेरे ख्वाब की ताबीर पेश करने के लिए तुम लोगों को कल तक की मोहलत दी जा रही है। चले जाएं कि मुझे आपसे नील के अतराफ में चरने वाले गायों के फजले की सी बू आ रही है। चले जाएं, मुझे कल तक अपने ख्वाब की ताबीर चाहिए। सुन लिया? वक्त जाया किए बगैर अभी और इसी वक्त हॉर्न हूप के साथ जिंदाने जावीरा जाएं और मेरे ख्वाब की ताबीर मालूम करें। उस कैदी का नाम क्या है? उस कैदी का नाम क्या है? यजार सीफ, लेकिन इब्रानी जबान में उसे यूसुफ कहते हैं। ये नाम मैंने कहीं सुना है। मेरा ख्याल है कि मैंने माजी में इस नाम का एक बच्चा जनाब पुतिफार के लिए खरीदा था। जिंदान जावीरा, जल्द चलो। क्या काम है? जनाबे केदामन से कहो आमून होतब चहारुम की जानिब से पारनपुआ हॉर्न हूप आया है। इंतजार कीजिए जनाब। फरमांदा हॉर्न हूप तशरीफ लाए हैं, दरवाजा खोल दो। हरकत करो। रात गई, क्या चीज जनाबे फरमांदा को यहां खींच लाई है? फरमारवा के हुक्म के आगे रात और दिन की कोई अहमियत नहीं। बिनारूस, अब क्या गलती कर बैठे जो जिंदान का रुख किया है? नहीं, हम युजासीब से मिलने आए हैं जनाबे फरमारवा के हुक्म से। ठीक है, चले।
नबी खुदा जनाब इजार सिर पर दुरूद हो। तुम पर भी खुदावंद का दुरूद। कौन हो तुम, ये क्या कर रहे हो? मैं हूं बिनारोस, बिनारोस फरामोश का एहसान फरामोश। बिनारोस बस कर, ये कैसी बातें कर रहे हो? मुझे बख्श दीजिए, मुझे बख्श दीजिए। आपने मुझसे जो छोटा सा तकाजा किया था वो भी पूरा ना कर सका। समझ नहीं आ रहा था मैं किस तरह आपका सामना करूं। तुम्हारी शर्मिंदगी बिला वजह है, तुम्हें मेरा तकाजा फरामोश करना ही था। तुम्हारी फरामोशी बगैर मसलहत के नहीं थी। यूं ना सिर्फ मुझे अच्छे दोस्त भी मिले बल्कि बराए तज़किया और इबादत बेहतरीन मौका भी। बिनारूस खैरियत आज जिंदा नज़ावीरा का रास्ता कैसे भूल गए? युरासी की याद कैसे आ? बताऊंगा बताऊंगा। मुझे फरमा रवाए मिस्र अली जनाब आमून हुतुब ने यहाँ भेजा है, एक ख्वाब की ताबीर मालूम करने आया हूँ। तमाम माहिर जादूगरान और मुअब्बिरान दिप्स आमून हुतुब के ख्वाब की ताबीर के आगे बेबस हो चुके हैं। अगर फरमा रवा ख्वाब ना देखते तो शायद अब भी मुझे आप याद ना आते। खूब, तो बयान करो बिनारूस। फरमा रवा ने ख्वाब में देखा कि सात कमज़ोर लागर गायें मोटी ताज़ा गायों को निगल जाती हैं और गंदम के साथ सब्स खुशे गंदम के साथ जद खुशों के तवसुस से खुश्क होकर ख़त्म हो जाते हैं। बइज़्ने इरादा खालिक यक्ता तावील ख्वाब मेरे ही पास है। लेकिन आपको इस ख्वाब की तावील नहीं देनी चाहिए जब तक कि आपको इस कैद से निजात ना मिल जाए। खुदावंद मताल ने इसी रोज़ के लिए मुझे इल्म तावील सिखाया है और ये शिवाय जवां मर्दी नहीं कि अदायगी कार्य खैर के लिए कोई उजरत या जमानत तलब की जाए। तुम फरमा रवा के पास जाना और कहना सात साल फरावानी नेमत के दरपेश हैं, इन सात सालों में खूब मेहनत से काश्तकारी करें और फसल काटें और इसमें से थोड़ी मकदार खाने और काश्तकारी के लिए इस्तेमाल करें और बाकी मानदा को ज़खीरा कर लें। इसके बाद सात साल कहत और खुश्क साली के दरपेश होंगे। ज़खायर जमा करदा को कहत और खुश्क साली के ज़माने में इस्तेमाल में लाएँ ताकि लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े। खुदा की कसम इसकी यही ताबीर है। मुझे यकीन है बड़े बड़े मोहब्बत जिस ख्वाब की ताबीर पेश करने में नाकाम रहे उसकी यही ताबीर है। मुझे यकीन है जनाब फरमा रवा ये ताबीर सुनकर नहायत खुश होंगे। हाँ मुझे यकीन है। फिलहाल मैं इजाज़त चाहूँगा, मुझे जल्द अज जल्द वापस जाना है। क्या रहे हो ताकि फिर हमें भूल जाओ भी नहीं? नहीं बिल्कुल नहीं, मैं आज ही आप लोगों के पास दोबारा आऊँगा। जाओ मगर अपने दोस्तों को भूल मत जाना। जरूर, खुदा निगहदार। खुदा निगहदार। खुदा निगहदार। मैं जल्द वापस आऊँगा। हो ये हड्डियां और मोहरे ताबीर देने से आजीज है। ये मोहरे आजीज हैं या तुम? जैसा काहिन आजम फरमाए, हम मुअब्बिरान अपनी आलसी और नातवानी का एतराफ करते हैं। हमें इन चंद दिनों की तहकीक से सिर्फ ये मालूम हुआ है कि मिस्र के कदीम आइन रवायात में गाय को साल से ताबीर किया गया है। तो फिर क्या, इससे मुश्किल तो हल नहीं होगी? मैं उस जवान कैदी को जानता हूँ, मुझे इस बात का खदशा है कि कहीं वो आमून हो तक के ख्वाब की ताबीर न कर दे।
क्या सुना नहीं के उसने पहले भी बिना रुस के ख्वाब की वाजे और सच्ची तुली ताबीर पेश की थी? मुझे तो समझ नहीं आती जनाब आंख माहू, ऐसे तो कई एक ने ताबीर ख्वाब पेश की है, इनमें से एक जुदार से भी सही, इसमें कबाहत क्या है? अहमक, तुम लोगों के होते हुए गुलाम के मद्दे मुकाबिल अमून की शिकस्त कोई बुराई नहीं? क्यों नहीं, क्यों नहीं, बिल्कुल है, बिल्कुल है। उस जवान का नाम जुजार सीफ है और वो एक यक्ता परस्त है, उसकी कामयाबी आमून की शिकस्त शुमार होगी क्योंकि वो आमून पर एतकाद नहीं रखता। बिनारूस, ताबीर ख्वाब लाए हो या नहीं? जनाब मैंने पहले ही अर्ज किया था ना कि वो एक बड़े पाए के मौबिर है। खूब, तो बताओ। इजार सिफ ने बताया कि 7 मोटी गायें और 7 सब्ज खोशे 7 साल फरावानी नेमत की दलील हैं, और 7 लागर गायें और 7 खोशे जर्द खुश्क 7 साल कह तो खुश्क साली की अलामत है। आफरीन, यही है, यही ताबीर मेरे ख्वाब से बेहतरीन मुताबिकत रखती है। यकीनन यही है। मैं उस इब्रानी गुलाम की हर कही हुई बात पर ईमान रखता हूं। आप उसे जानते हैं? हाँ, मैं उसके बारे में काफी कुछ जानता हूं। बिनारूस, क्या उस कैदी ने तुम्हें कैद से बचाव का कोई हल नहीं बताया? क्यों नहीं अली जनाब, उन्होंने कहा है कि फरावानी रहमत के 7 सालों में खूब मेहनत से काश्तकारी करें और जखीरा करें ताकि कहत और खुश्क साली के 7 सालों में उससे इस्तेफादा किया जा सके। ये राह हल तो नहायत मुनासिब है, लेकिन गंदम तो 7 साल तक महफूज नहीं रह सकती, तो फिर जखीरा कैसे मुमकिन है? मुमकिन है वो कैदी इसका हल भी जानता हो। यकीनन ऐसा ही, इब्रानी गुलाम से मिलना चाहूंगा, उसे फिलफौर हाजिर किया जाए। इस ताबीर ख्वाब और इसके तदारक को फिलहाल मुख्फी रखिए ताकि देखें काहिनान माबद क्या करते हैं। बिला शुबा इतनी दकीक और हकीमाना ताबीर आखमाहू और कायनान माबत के वजूद पर एक कारी जर्ब साबित होगी। यकीनन वो फरमानवा के ख्वाब की ताबीर पेश करने में नाकाम रहे होंगे। आखमाहू का शिकस्त खुर्दा और तहकीर शुदा चेहरा काबिले दीद होगा। युजार सिफ को लाने के लिए पक्की और कजावे की जरूरत है, जल्दी करो, हरकत करो।
खैरियत तो है। जनाब होरम हूप ने दोबारा इस खराब जावीरा को कैसे इज्जत बख्श दी? हम युजार सिफ को लेने आए हैं, अब वो आजाद है। जनाब आमोन होतब उनसे मुलाकात के मुश्ताक हैं। यानी तो क्या अब हम युजार सिफ को फिर नहीं देख पाएंगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप चाहते हैं कि युजार सिफ ताबद जिंदान में ही रहे? नहीं नहीं नहीं, मैं उनकी आजादी तो चाहता हूं, लेकिन उनकी दूरी भी मेरे लिए इतनी आसान नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी कैदी युजार सिफ की जुदाई को सहने की सकत रखता होगा। तमाम कैदी और निगहबान सभी अब तक महज उनकी वजह से ही जिंदान को बर्दाश्त किए हुए थे। बहरहाल जनाब होरम हूक को जनाब कीदामून के पास ले जाओ। नबी खुदा, तुम पर भी खुदा के दरूद हो। दरूद बा जनाबे होरम हूँ। क्या हुआ बिनारूस? नबी खुदा, हम आपको जनाबे आमोन होतब की खिदमत में ले जाने आए हैं। जनाबे होरम हूँ, मुहाफिजी ने कसर के फरमान दे आपकी हमराई के लिए तशरीफ लाए हैं। तोहमत के तीर से जख्म खुलता और दिल शिकस्ता हूँ, और जब तक मुझ पर लगी ये तोहमत मिट नहीं जाती मैं जिंदान को तर्क नहीं करूँगा। लेकिन फरमा रबा ने आपको आज़ाद कर दिया है। बेहतर होगा फरमा रबा पहले मुझे तोहमत से आज़ाद करवाएं, वगर नए खाइन के लिए इस जिंदान से बाहर कोई मकाम नहीं। आप खातिर जमा रखिए, फरमा रबा ने आपको बख्श दिया है, वो आपकी हिमायत करेंगे। मुझे उनकी बख्शिश की जरूरत नहीं है, क्योंकि बख्शा तो गुनाहगार को जाता है। और युजार सेफ हकीम की तोहमत रफा कैसे होगी? अपने अरबाब के पास जाएं और कहें कि मालूम करें कि जराने मिस्र का अपने हाथों को काट डालने का माजरा क्या था। अगरचे मेरा परवरदिगार मेरे खिलाफ की गई साजिश से बखूबी आगाह है। आपको तो चाहिए कि इस मौके से खूब फायदा उठाएं। आप बाहर जाकर भी खुद से रफ्त आमद कर सकते हैं। आपको अपनी आजादी की फिक्र करनी चाहिए। आपको आमून होतब की हिमायत हासिल है, क्या ये काफी नहीं? आपके ख्याल में आमून होतब एक खाइन की कितनी हिमायत कर सकते हैं? एक खाइन का आमून होतब के दरबार में क्या मकाम और मर्तबा हो सकता है? आप तो बस बिना रूस से कहते हैं कि वो जुलेखा का तमाम माजरा फरमान रवा के गोश गुजार कर दे। जुलेखा को अपने कैफरे किरदार को पहुंचना चाहिए। नहीं, उनका नाम लेना मुनासिब नहीं। वो बरसों मुझसे मोहब्बत से पेश आईं और मुझे बड़े नाज़ो नहम से परवान चढ़ाया। क्यों नहीं, और बरसों जिंदान में कैद भी रखता। खुदा करे कि वो आपकी दरगुजर और चश्मपोशी की कदर जान सके। ये जनाने मिस्र का अपने हाथों को काट डालने का माजरा क्या है? कौन सी खवातीन? आप बस जाकर जनाबे फरमा रवा से इतना